एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आ रहे हैं हम एक जगह जो हम बहुत पहले गए थे, आप लोगों को शायद मालूम होगा, उसका मैं लिंक आई बटन पे डाल दूंगी कि कहाँ की मैं बात कर रही हूँ। तो अभी आए हैं हम शुभम के तीसरे नंबर वाले दीदी के यहाँ, गीतांजलि दीदी के यहाँ, और बच्चों के साथ बहुत टाइम हो गया था, मिले भी नहीं थे और दीदी से भी बहुत टाइम से नहीं मिले थे, मतलब उनके वहाँ फंक्शन में गए थे बस उसके बाद से नहीं मिले थे। तो हमने सोचा कि मैं कहा चंडीगढ़ आए तो उनसे भी मिलकर जाते हैं, और कल तो वैसे ही वापसी है। तो कितनी है बस बस दीदी ने घर पे कोई काम नहीं किया छोटे इसमें, तो अभी यही संभाल रहे घर अपना। नहीं किया ना मैंने घर पे, कमा घुमा के थक गया। तो दीदी सेहत का राज दिख रहा है सब दीदियों ने जो शुभम को। कितने साल लगे तुम बाहर? सुनो सुनो 12 साल में मैं देख लेकर दीदी उन कॉल करो, मम्मी से पूछना। हाँ स्पीकर पे डालना ठीक है। हाँ जी नमस्कार, क्या कमाल है, मैं क्वेश्चन का जवाब दो जरा बोल दो। छोड़ दे आज तक कुछ काम किया घर पे? 12-13 साल घर पे, जितने टाइम तक घर पे रही है, हैं कुछ काम मतलब एक अद्धा झाड़ू लगाना नहीं बाकी भी? अभी नहीं पहले पहले बाकी क्या है? बाकी का मजे लगा क्या मम्मी? मम्मी फिरते भी बोलो। मम्मी मैंने पता क्या बोला, मैं कहा मम्मी ने मेरे को एक चीज सिखाई कि कहना मोड़ना नहीं, ढका तोड़ना नहीं। शुभम का फिलॉसफी हाँ ये चीज नाना बोलते हैं मम्मी को, ठीक है अभी ट्रैफिक में फंसे हम। तो हमने क्या किया कि हम एक एक लाइन सारे गाएंगे, देखते हैं कौन सबसे अच्छा गाता है। चलो अपने अपनी चॉइस का सॉन्ग स्टार्ट। दीदी की बारी पहले ना, मेरी बार लास्ट, तब ठीक है। खैरियत अरिजीत सिंह सुसाइड कर लेगा। यादों का कारवा और फिर चल दिए हम यहाँ तुम कहाँ। पहली बार गाना गा रही हूँ ऑन कैमरा। तुम दिल की धड़कन में बैठ के गाएंगे अभी। रहते हो मेरी इन सांसों से, कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। बताओ हाँ, जीता कौन? जीता हम फ्री हुए, मतलब अभी पहुंचे थे हम, तो दीदी की सोसाइटी में ही अच्छा सलून था, मुझे हेयर कट करवाना था। दीदी को शुभम ड्रॉप करने चले गए और मैं यहाँ उतर गई कि हेयर कट करवाना, फिर शुभम मेरे पास आ गए। ये हो चुका है मेरा न्यू हेयर कट। मैं जब भी चंडीगढ़ आती हूँ तो हेयर तो करवाना ही कुछ, लेकिन इस बार थोड़े ज्यादा छोटे हो गए। तो अब चलते हैं घर, और घर पे भी डिनर पे वेट कर रहे हैं दीदी घर। हाय गाइस, तो अब निकल पड़े हैं हम वापस नहान की ओर। शुभम ने जाना है आज ऑफिस, और आज मेरे को भी बहुत सारे काम है। एक्चुअली ये है राखी वाला दिन, और मुझे सुबह से ही भाइयों की बहुत याद आ रही थी। याद आ रही है? कैमरा ऑन होते शिवानी रोना बंद हो गई। तो दोस्तों जैसे आपने देखा शिवानी है बहुत सैड कि उसका कोई ब्रदर नहीं आ रहा, वो अपने ब्रदर से मिल नहीं पा रही। उन रजत नैना आ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने सरप्राइज रखा हुआ ये, और उन्होंने मेरे को बताने के लिए मना किया, लेकिन कब से रोए जा रही है। अब मेरे से सरप्राइज रखा नहीं जा रहा, और मैं सोच रहा हूँ उसको बता दूँ कि वो
पर मैं चाहता हूँ कि वो वाली खुशी देखने मिले उसके चेहरे पे जब वो लोग आएंगे। अगर वो नहीं रो रही होगी अब तो नहीं बताऊँगा, अगर रो रही होगी तो मैं सरप्राइज को रिवील कर दूँगा। क्या करना चाहती हो बताओ? कुछ भी नहीं, चाय पियो। सोलन तक चलना है? क्यों? सामान लेने चले। क्या सामान लाना है बोलो? बाहर चलना डिनर करने? डिनर तो नहीं, इतनी ना खाना बना हुआ है। देख लो डिनर करना बाहर मन है अगर कुछ गोभी सीख कबाब टाइप खाना कुछ। चल तैयार तो हो जाओ फिर चलते हैं कहीं बाहर, ठीक है? देखो दोस्तों इतनी देर से बोल रहा हूँ मैं कि शिवानी इस चादर को चेंज कर दो, अच्छी वाली चादर बिछाओ। अच्छी वाली चादर बिछाओगी तो अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे। तुम्हें पता है चादर ब्रिंग्स हैप्पीनेस। तब ये अच्छी चादर है? ये नहीं है, इससे अच्छी चादर बिछाओ। तब मेरे भाई ने लाई है मेरे लिए। इसको हटा दे, भाई आया नहीं तेरा, इसको हटा दे वापस, अपनी बिछाई वो लगा दे। रोने लगी फिर से, चुप कर, मजाक कर रहा था, जोकिंग। ये बहुत अच्छी है, इसी को बिछा दो। तुम्हारा पति साथ है, वो खुशी नहीं तुम्हें? हीरे हीरे वर्गा, हीरे वर्गा तुम्हारा पति, हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं भाई का साथ। भेजो भाई के पास, हो गया अब सूरज। देखो सूरज अस्त हो चुका है, सूरज अस्त बाबे मस्त। शिवानी को आ चुका है एक भाई की वीडियो कॉल। एंजॉय। हेलो, कैसे हो ब्रो? बहुत बढ़िया, कहाँ पहुँच गए? प्रणाम प्रणाम, कहाँ पहुँच गए? वाह तो इधर ही आ जाते यार, इससे अच्छा। फिर हो गया अब दोनों भाइयों से बात। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? गुड। अब नहीं आ रही ना याद? हाई गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग अपना। एक्चुअली क्या हुआ कि आज मैं पूरा दिन ऐसे सैड सी थी, आज राखी है तो हम शुभम ने मेरे को बोल दिया था कि आज हम डिनर करने बाहर चल पड़ेंगे, क्योंकि अगर घर पर रहें तो बहुत ज़्यादा फील होता है कि हम लोग अपने घर वालों से दूर है, अपने परिवार वालों से दूर है। इसलिए देखो मैं सबकी राखियाँ दीदी और इन्हें जितनी भी राखियाँ दी है मेरे मतलब सिस्टर इन लॉज ने जितनी भी राखियाँ दी है सारी राखियाँ अपने साथ पैक करके ले जा रही हूँ, ताकि मुहूर्त के हिसाब से हम लोग उसी टाइम पे बांध लें। अगर हम बाई चांस लेट हो गए, वैसे तो हमारा उस टाइम पे आने का वापसी आने का प्लान है, लेकिन इन एनी केस अगर हम लेट होते तो हम जहाँ भी होंगे हम उसी टाइम पे बांध लेंगे, क्योंकि सबकी वीडियो कॉल्स आएगी तो उनको दिखना चाहिए कि हमने पूरे एग्जैक्ट मुहूर्त से बांधी थी। अब चलते हैं, पहले तो आप मेरा आउटफिट देख लो, ये पहना है। वैसे मैं पहले वेस्टर्न पहन रही थी, मतलब मैंने जीन पहन ली थी, क्योंकि शुभम ने कहा कि जीन पहन और मेरा बहुत मन था सूट पहनने का। और इस सूट की रील आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे दिख जाएगी, आप वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। मेरी रील देखना और बहुत सारी शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स भी करना। तो अभी हम चलते हैं, तो डिनर करके आते हैं बाहर। जैसे शिवानी से कोई चीज़ सीक्रेट रखना या सरप्राइज देना उसको बहुत ही मुश्किल चीज़ है। उसने मतलब इतने दिन से कोई भी बात कर रहा है, जैसे शिवानी के पापा बता रहे कि मतलब वो उनसे भी बचता नहीं है वैसे भी, कि कहीं जाना तो नहीं तुमने 30 तारीख को या ऐसा वैसा। तो शिवानी के दिमाग में ऐसे आया कि मेरे को लग रहा है वो आ रहे हैं कि और पापा वगैरह मेरे को सरप्राइज देने की तरह। मैं फिर मैंने उसको कैसे कन्विंस किया कि नहीं है, वो कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, उनका जरूरी काम है, शूट में बिजी है, अभी तक सरप्राइज़ का पता नहीं लगा है। तो मतलब सरप्राइज़ हमारा सक्सेसफुल रहा अभी तक। अब रजत नैना पहुँचने वाले हैं दो सड़का पे, तो वहाँ मैंने उनको बोल दिया कि आप लोग वहाँ वेट करो, हम बस आने वाले हैं। कैसा इतने सालों की उम्र में प्यार नहीं दिखाया? तो गाइज मुझे मिल गया है आज एक बहुत प्यारा सरप्राइज, और जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रजत और नैना पहुँच चुके हैं नाहन शहर में, और मैं मतलब मेरे से आज इतना रोई हूँ मैं आज, पता नहीं क्यों, पर जितना रोई हूँ उसका फल सच में ही बहुत ही अच्छा मिला है, बहुत ही अच्छा। अभी हम डिनर करने के लिए मतलब डिनर बाहर से पैक करवा रहे हैं, क्योंकि आज मुझे शुभम ने नहीं बताया, किसी ने भी मुझे नहीं बताया था, पापा मम्मी को भी पता था, शुभम को भी, सब प्लान में शामिल थे, सिर्फ मुझे पता नहीं था। और क्या कि मैंने डिनर नहीं बनाया था, मतलब सुबह का बना हुआ था खाना मेरे पास, कड़ी बनाई थी आज मैंने, तो डिनर में मैंने आज कुछ नहीं बनाया था। शुभम ने पहले बोल दिया हम बाहर ही चल पड़ेंगे, क्योंकि अगर मुझे बोला होता कि अच्छा अच्छा कुछ बना तो मुझे डाउट हो जाना था। इसलिए साजिश रची आज सबने मिलकर। देखो तो आज हमारे घर में कौन आया है, दिखाओ तो। बड़ी दूर से आए हैं मेहमान, बड़ी दूर से आए हैं, क्योंकि ये रजत ने मेरे को आती दिया थी, लेते को मेरी याद आती ना पकड़ तेरे को, मेरी याद रजत की रिप्लेसमेंट है।
इसके लिए मैं बांधूंगी एक हाथ तो सुन रहा है सांस लेने के लिए इसको ये भी है तो हम लोग उठ चुके हैं। मैं और नैना सुबह सुबह ही इनको लग गया तंग करने के हमने राखी बांधी है। पहले तो ये था कपल कपल बांध रहे थे, अब ऐसा है कि हाँ चलो नैना बांधे शुभम को और मैं बांधूंगी रजत को। व्हाट आर यू डूइंग? चिप्स बना रही हूं, चिट्टे बना रही हूं। पर्चियां? अरे सीरीज वाइज पहनने होते ना राखी। चलिए इनको अरेंज कर दूं ताकि सॉर्टेड तरीके से। शिवानी की क्रिएटिविटी है, सबके चिट लगा दिए हैं। ये मेरा हाथ ही नहीं। स्कूल कॉलेज में बहुत चिट बनाती थी ना, इसको आदत यहीं तक रह गई है, कभी नहीं बनाए। शिवानी को एक खुशी थी रजत के आने की, दूसरी खुशी थी मेरे आने की, शुभम को कोई राखिया बांध ले। मेरे भाई को लंबी उम्र दे, स्वस्थ जीवन दे। सारी शिवम की बहनों की तरफ के वो बोल रही अल्फाज। रोल नंबर वन शिवानी ने, रोल नंबर टू थ्री सब चाहिए। एक और मिठाई है हमारे पास, ये कुछ रखो मेरे, बस ऐसे शगुन के रखना, ऐसे में मजाक करो। नहीं, ये तो आपको डबल टैक्स हो जाएगा। नहीं कि बहनों की राखी है ना एक्चुअली, तो मैंने वही बांधी है तो उनका पहले जरूरी है। मैं तो ऐसी थी नहीं, तुम भी बहन ही हो, अभी वही इक्वल हो गया फिर। चलो आप सब बांधो। नहीं मैं तैयार हूँ, अच्छी सुंदर दिखती तो मैं भी तैयार होती हूँ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये क्या कर रहे हो? सीने पहुँच रहे हैं, गर्मी लग रही है। अच्छे बंधन वाले दिन इतना तो सहन कर से हाथ भर चुका है, तो हमारी राखी हो गई है कंप्लीट और मेरे हाथ हो गए भारी। अरे पांव भारी तो सुना था, हाथ हो गए भारी। अरे इतनी बड़ी बड़ी राखियां मान ली। अब मेरी तो आनी है ना तुमने। हाँ जी, सबसे पहले अनुज वाली रोल नंबर वाइज चलोगे? हाँ, ये अगले साल तक सबको आपका साइज पता चल जाएगा। ये रणवीर जी की है, ये साइज पता है क्या? वो तो मोटी हो जाएगी साल। ये पांच ही खा रहे फिर तो, पांच सच में पांच दीदी के। ये शुभम आपका नहीं है, आज देनी पड़ेगी शिवानी। शिवानी नहीं खा रही, प्यार ऐसे चाहिए आपके लिए। देखो थैंक यू सो मच। देखा ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है? हाँ चलो वो खिला दे कुछ।